एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हृदय रूपी गुफा में जो चेतन का स्थान है, जो धक धक कर रहा है, तो किस चीज से धक धक कर रहा है? कोई तो चेतन स्थान है, अगर वो निकल गया तो वो चेतन ही तो पूरे शरीर को और पूरे हमारे करोड़ों परमाणुओं को सींच रही है ना। तो वो चेतन तत्व तो हमारे शरीर के अंदर कहीं है, वो विभु है और व्यापक है, शरीर में भी है, पूरे शरीर में और ब्रह्मांड में भी। तो योग प्राणायाम ध्यान चेतन कह रहे हैं, जो अंदर हमारे जो वो है, तो कहने का मतलब है कि योग जब हम नेचुरल हो जाएंगे तो स्वतः हो जाएंगे। इन दिनों ऐसा भी होता है एवरीथिंग हैज टू बी वेरी फास्ट, मुझे जल्दी बॉडी बनानी है, जल्दी हेल्दी रखना है, उसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह जहाँ पर मतलब गलत तरीके भी होते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहूँगा? वो चीज़ों से दूर रहने का डेफिनेटली योग ही एक नेचुरल ये एसी चलता है इंडिया में, एसी कितना 16 या 18 16 डिग्री होगा मैक्सिमम टेम्परेचर। एक दूध का गिलास लाओ यहाँ पे रख दो, सब चले जाओ, कल आओगे इसमें स्मेल हो जाएगी। हम ये डिब्बे खाते हैं बेस्ट बिफोर 2021 2022 2023, वो काय के हेल्दी भैया, हमसे कहाँ बॉडी को नहीं कहाँ फिट बनी। तो मैं यही कह तो कह रहा हूँ बच्चों को, उन चीज़ों से बाहर आ जाओ, योग से जुड़ो, प्राणायाम से जुड़ो, नेचर से जुड़ो। वो हेल्दी नहीं है, वो बस हमारा दिल मान रहा है कि हम हेल्दी हैं, खुश हैं, ये सारी चीज़ हैं। वो मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि भैया शाकाहारी रहो, घर का बना हुआ खाना खाओ, अच्छा करो, योगा करो, प्राणायाम करो, इसीलिए तो गुरु जी वो कर रहे हैं, पूरी कृष्ण मात्री जी भी यही करते हैं। कुणाल जी को मैं यही कहना चाहूँगा, देखो सबसे बड़ी दौलत आपका शरीर है। एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो मेरा इस जिंदगी में एक दोस्त है दुनिया में, वो पता कौन इंसान है? वो खुद। जब तक हम अपने खुद के दोस्त नहीं बनेंगे हम किसी के दोस्त बन ही नहीं सकते, हम झूठ बोल रहे हैं। और जो गुरु जी जो योगा प्राणायाम लेके आ रहे हैं कुणाल जी के साथ मिलके, मैं कह रहा हूँ कि ये ना वंडर है, ये सीखो, ये सभी निर्मित जो प्राणायाम है। हाँ, वो एक थोड़ा मैं आपको आपको एक्सप्लेन करूँ। योग का जो मेन चीज़ है योगाश्चित निरोधक, योग का पहला पार्ट ही है कि चित्त की वृत्तियाँ यानी कि अंदर के फ्रस्ट्रेशन जब काम डाउन हो गई तभी आप फिट हैं पहली। और इनके पास जो विद्या है वो इतनी अद्भुत है और वो आम प्राणायाम नहीं है, केवल यही करवा सकते हैं, और ये गुप्त विद्या है। तो मैं चाहूँगा आप दो मिनट उससे और बताइए। जी जी, ये सभी जो निर्दिष्ट प्राणायाम है इसमें योग शास्त्र में इसकी चार लाइन में वर्णन है, ऐसे इसको गुरु परंपरा के अंतर्गत ही जाना जा सकता है। और योग जो है गुरु परंपरा के अंतर्गत ही जाना जा सकता है। प्राणायाम हो गया, जैसे हम अपने शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है, जल तक, अग्नि तक, वायु तक, आकाश तक और पृथ्वी तक। तो सिद्धार्थ जी ने भी कहा चित्त जल पावक गगन समीरा पंच निमित्त अधम समीरा। तो अग्नि जल वायु आकाश इधर सब है, तो ये प्राण ही तो पंच तत्व को धारण करती है। तो जो ये प्राणायाम हम करते हैं पूरक रेचक पूर्वक, तो उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है, एक गाइडेड प्रक्रिया, और ये बीज रूप में विद्यमान है। अग्नि की उत्पत्ति रस से हुई, ठीक है ना, जल की उत्पत्ति लस से, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने और मनीषियों ने अग्नि तत्व बोला, जल तत्व बोला। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो जल बन गया, तो परमात्मा ने कितना बनाया होगा। तो अगर उन तत्वों से हम करते हैं, जैसे हम हवा के बिना जी नहीं सकते, जल के बिना नहीं जी सकते, इसका मतलब पंच तत्वों से जिस चीज से बना हुआ है उस चीज की जरूरत है। तो प्राण विद्या जो है, यह जो विद्या है, हमको उस तत्व की मजबूती करवाता है, हमारे शरीर में जल तत्व को बढ़ाता है, अग्नि तत्व को, जिससे कि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। कभी ये देखिए कि 30 के बाद जब 30 एज आ जाता है तो इसी ब्रह्मांड में हम खाना खाते हैं, लेकिन हमारी हड्डी मांसपेशियां नहीं बढ़ती हैं, लेकिन बच्चे का बढ़ता है। क्यों? तो प्रकृति के कुछ तो नियम है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो रिसेप्टर जो है थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाता है, इसीलिए लॉन्गेविटी होती है और हम ज़्यादा दिन जी पाते हैं। इसीलिए सारी दुनिया ने, सारे विश्व ने योग की शक्ति को स्वीकार किया और आगे भी स्वीकार करेगा। योग विद्या जो है संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान को समेटे हुए, क्योंकि एक योगी, आज मुझे बहुत ही दुख होता है एक चीज को, इसको अन्यथा आप लोग ना लेंगे, आज लोगों ने व्यायाम को योग दे दिया। व्यायाम अच्छी चीज है, पहले लोग एक्सरसाइज करते थे तो पहलवानी घोड़ों जैसी ताकत आ जाती है, हाथी जैसी ताकत, लेकिन वो विद्या भी योग है। तो व्यायाम से कहीं ज्यादा ताकत आसन में, आसन से कहीं ज्यादा ताकत प्राणायाम में, प्राणायाम से कहीं ज्यादा ताकत ध्यान में, ध्यान से कहीं ज्यादा समाधि में, जिसकी बात इन्होंने की। तो हम वो करें, लोगों ने आज एक्सरसाइज तरह तरह के चीजों को कर सकते, योग को हम व्यापक बना, अगर हम योग करेंगे तभी तो हम सशक्त और बलवान हो पाएंगे। तो ये विद्या जो है गुरु प्रभु ने इसके लिए दिया कि मैं मानव समाज को इस विद्या के बारे में बताऊं। और तत्व का जो हमारे शरीर में तत्व है, वो तत्व धीरे धीरे लोप हो जाता है, तभी तो हम बुढ़ापे
जब हम योग करते हैं तो वो जो तेज हमारे शरीर में आता है। अब गुरुदेव हम चाहेंगे कि कुणाल जी का ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, आप कुछ योगा के अच्छे वीडियो बनाएं और कुणाल जी उनको आप सबको दिखाएं ताकि वो हम सब भी सीख सकें, सबको फायदा हो उसके। तो वही एक वो है। और आप भी भैया देखो, सब मैं कहता हूँ मीडिया की जो बहुत टफ है, बहुत टफ जो है, मगर एक समाज का इनका मीडिया ही है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब आप इनको बताते दिखाते हो। तो आप सब भी फिट रहा करो, बहुत जीवित है, फिट रहा करो, अपना ख्याल रखा करो, खुश रहा करो। एक मिनट एक समय लूंगा, एक मुझे कुछ बोलना है, सब लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। एक बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरी शिष्या भी है, तो उसको थोड़ा मैं बुलाना चाहूँगा।